नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में उतरी है। वहीं सपा 62, कांग्रेस 17 और टीएमसी 1 सीट पर चुनाव लड़ने वाली है। पार्टी ने अभी तक अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जिसमें उसकी परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली भी शामिल है। वहीं कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए गए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में ही तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेठी और सोनिया गांधी के रायबरेली से लड़ने की घोषणा कर दी थी। वहीं आपको बता दूं कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर पार्टी का किसी उम्मीदवार पर सहमति न जताना, सहमत न हो पाना और देरी करना काफी हैरान करने वाला है। इसके चलते ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या पार्टी इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने पर ज्यादा माथापच्ची कर रही है, और क्या राहुल की तरह यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी पहले ही रायबरेली सीट छोड़ चुकी हैं और उम्र के इस दौर में राजस्थान की राज्यसभा सीट के जरिए संसद पहुंच गई हैं। उनके जाने के बाद उम्मीद यही है कि रायबरेली सीट कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को मिलेगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 8 मार्च से अब तक करीब 12 लिस्ट में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, लेकिन किसी में भी न तो अमेठी का कोई जिक्र था और न ही रायबरेली का। अमेठी से साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी बीजेपी नेत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हार गए थे। हालांकि वो वायनाड से भी उतरे थे, जिसके चलते जीत कर संसद पहुंच गए थे। इस बार उनके भी अमेठी से चुनाव लड़ने पर संशय है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अभी फैसला करने में काफी वक्त है, क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर 20 मई को पांचवें फेज के तहत वोटिंग होगी। साथ ही नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख में 3 मई है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि पार्टी ने महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव और वाराणसी जैसी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जहां सबसे आखिरी में मतदान होगा। ऐसे में राहुल प्रियंका दोनों ही पार्टी के टॉप नेता हैं और उनके मामले में देरी होना एक अजीबो गरीब स्थिति है। भाई बहन को लेकर पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और फैसले को उन दोनों पर ही छोड़ दे रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की दिल्ली में जो महारैली हुई थी, उसमें प्रियंका गांधी भी जमकर मोदी सरकार पर हमलावर होती दिखी थी, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि वो भी चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता प्रवक्ता कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं। इनमें पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, संजय निरुपम, बॉक्सर विजेंद्र सिंह और आज गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि पार्टी वैचारिक स्तर पर अगर इस खांचे में देखें तो पूरी तरह से इरिलेवेंट हो गई, इस खांचे से बाहर हो गई। इसलिए लगातार लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं या अंदर अंदर कसमसा रहे हैं। तो वैचारिक आधार पर हालत खराब है, संगठनात्मक स्तर पर पूरा बिखरा हुआ है मामला। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन मुद्दों के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं दिखता। सुबह कुछ बयान, शाम को कुछ बयान। जो नारे हैं ऐसे नारे हैं जो उनके घर में भी एक बार से दोबारा नहीं बोला जाएगा। न्याय का हक मिलने तक कितनी बार कोई बोल सकता है, कोई नारा है? और ये नारा लेकर के हम लोग निकल गए। उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग बैठ गए हैं जिनका जमीन से कोई नाता नहीं रह गया। जमीन पे क्या हो रहा है इसकी समझ नहीं है, इसकी पकड़ नहीं है। आधे से ज्यादा लोग तो आउटडेटेड हो चुके हैं, स्क्रैप मटेरियल है वो। ऐसे लोगों के हाथ में कांग्रेस की कमान है, तभी संजय निरुपम जो बोल रहे हैं उसको सुनने वाला कोई नहीं है वहां पे, और उसका नतीजा कल निकला और आज आपके सामने हूं। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी के समक्ष मैंने विषय रखा था कि साहब मुंबई, महाराष्ट्र में या कहीं पर भी अलायंस कर रहे हैं तो अपने अस्तित्व को बचाने का भी एक विशेष आग्रह रखिए।
सबसे पहले आपका परिचय मैं करा दूं तमाम खास मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता मोहित गोयल जी जुड़ चुके हैं। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता मलिक जावेद अंसारी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो मेरा सवाल है मलिक जी आपसे ही है, आखिर सीटों को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों, और वो भी अमेठी और रायबरेली जैसी सीट जो कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, पारंपरिक सीटें मानी जाती हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले आप लोग और विपक्ष के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कहते थे गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन हुआ। फिर ये कहते थे सीट शेयरिंग नहीं होगी, सीट शेयरिंग हुई। फिर ये कहते थे एक मंच में नहीं आएंगे। अभी महारैली दिल्ली में हुई, 700 सीट इंडिया अलायंस जीतने वाला है। अब आप कह रहे हो कि घोषणा क्यों नहीं हो रही, घोषणा भी होगी। आपने अपनी रिपोर्ट में बताया 3 मई लास्ट डेट है नॉमिनेशन की। कौन चुनाव लड़ेगा ये तय हमारी सीईसी तय करेगी, कांग्रेस पार्टी तय करेगी, भाजपा के लोग तय नहीं करेंगे। और इस बार जनता मन बना चुकी है कि भ्रष्टाचारी जनता पार्टी को जनता हराने वाली है और झूठों को झूठों का मुंह काला होने वाला है। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि झूठों का मुंह काला होने वाला है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस चीज का फैसला करेंगे कि कब कौन उस सीट से चुनाव लड़ेगा। लेकिन देखिए सर, इतनी देरी क्यों, क्योंकि परंपरागत सीट है आपकी और वर्षों से कांग्रेस का गढ़ रहा है दोनों ही सीटों की अगर बात करूं। और दिलचस्प बात यह है कि पार्टी ने महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, वाराणसी जैसी सीटें जिन पर सबसे आखिरी में मतदान है उनकी घोषणा प्रत्याशियों की कर दी है, लेकिन जो उनका गढ़ है वहां के प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो सवाल तो जनता करेगी ना आपसे, और सरकार भी करेगी, जो मौजूदा बीजेपी है वो भी आपसे लगातार यही सवाल कर रही है कि कौन आ रहा है मैदान में। जी जी बिल्कुल आएंगे और पूरी तैयारी के साथ आएंगे और इनको हराएंगे। रायबरेली भी जीतेंगे और अमेठी भी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में जो इंडिया अलायंस है उसकी बहुत सारी सीटें आने वाली है, इसीलिए भाजपा बौखलाई हुई है। तो अनर्गल मुद्दे लेके आती है मार्केट में कि कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित हो रहा, यहाँ क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई, हमारी पार्टी, हम डिसाइड करेंगे, आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले। चलिए ठीक है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मोहित जी जुड़े हैं। मोहित जी, मलिक जी कह रहे हैं कि भाजपा बौखलाई हुई है, अनर्गल बातों का कयास लगाती है। नलिन जी, किसी की मानसिक स्थिति ठीक ना हो तो इस विषय पे ना तो आप कुछ कह सकते हैं ना हम कुछ कह सकते। रायबरेली, अमेठी जैसी सीटों पर इन कांग्रेस के शीर्ष नेता लड़े हैं और आज भी उन्हीं को लड़वाएंगे और हरा के उनको अपने घर भेजेंगे। इनको सिर्फ डर इस बात का है कि हार हम एक बड़े नेता के थ्रू करवाएं या आज उस छोटे नेता के थ्रू करवाएं, हम किस नेता को हारने के लिए वहां भेजें, सिर्फ ये इसी पे विचार मंथन कर रहे हैं। क्योंकि इनके पास वहां पे खड़े करने के लिए कोई भी उम्मीदवार नहीं है। इनके पास कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नीति है और ना इनके पास देश के लिए काम करने के लिए नियत है। इसीलिए इनके परिवार से नेता छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे मोदी जी की चमत्कारी व्यक्तित्व ऐसा है कि हर एक पार्टी से हमारे परिवार में लोग शामिल हो रहे हैं और हम उनका खुले मन से स्वागत करते हैं। ठीक है, मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मलिक जी का रुख करना चाहूंगी, फिर मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगी। जी, मोहित भाई ने कहा कि पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के नेता छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके मुजफ्फरपुर के सिटिंग एमपी है अजय निषाद, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। राजस्थान चूरू मलिक जी द्वारा एमपी है सिटिंग, और सुरेश सिंधिया कितने बड़े बड़े नाम में आपको जम्मू कश्मीर, अभी दक्षिण दिल्ली लोकसभा से, दक्षिण दिल्ली लोकसभा से कांग्रेस के चुनाव लड़ने पार्टी के विजेंद्र सिंह, डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दावा इतना जीतने वाले थे तो अपनी पार्टियों के टिकट क्यों काट रहे हो भाई। मैं तो सिटिंग एमपी के नाम बता रहा हूँ कि आपके हरियाणा के ब्रिजेंद्र सिंह आ गए हैं। कभी कहते हैं कि ये हमारा फैसला है, कभी आप एमपी हमारे फैसलों में सवाल कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर है तो आपके सांसद, सिटिंग सांसद छोड़ के कांग्रेस में क्यों आ रहे हैं। लेकिन मलिक जी, आपके जो भी नेता अभी तक जिन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ा है वो लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कांग्रेस पर। अगर मैं बात करूं गौरव वल्लभ जी की, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि मैं सनातन की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता और इसीलिए मैं साथ छोड़ रहा हूँ। ठीक है, वो झूठे हैं, वो इसलिए झूठे हैं क्योंकि जो कल तक वो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आपकी पार्टी का पूरा पक्ष रखते थे और आप अपने ही नेता को झूठा बता रहे सर।
जो गांधी जी की माला जपे वो सच्चा, बाकी सब झूठे। अरे जवाब तो देने दो, जवाब देने दो, जवाब मोहित जी जवाब सुन लेते हैं ना, जवाब सुन लो जी। जब लॉजिक ना लगे, फैक्ट ना हो, तब आप बताना। गौरव वल्लभ जी ने कहा कि हम एंटी हिंदू एक्टिविटी में करते हैं और ये करते हैं, सब झूठ है, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और जो देश के चार बड़े शंकराचार्य थे उन्होंने कहा था धर्म शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी का भी यही स्टैंड था। उसके बाद 2023 में उसे फिर से उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा, तब उनको नहीं दिख रहा था, लेकिन आज दिख रहा है। जो पार्टी छोड़ के जाता है वो अनर्गल बातें करता है, ये कोई नई बात नहीं है, और ये लोकतंत्र का मेला है, इसमें आ भी रहे जा भी रहे। आपने चार नेता के हमारे नाम बताए, मैंने 8 नेता के भाजपा के नाम बता दी, जो कि सिटिंग एमपी है वो कांग्रेस में आ रहे हैं, और इन्होंने अपनी पार्टी के 61% एमपी के टिकट काट दिए। नहीं, संजय निरुपम ने भी गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का, प्रत्याशियों का मनोबल टूट रहा है। सर, उन्होंने ये भी कहा कि लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। तो फिर भाजपा के नेता हमारी पार्टी में क्यों आ रहे हैं? कांग्रेस के अंदर जमीनी नेता ही खत्म हो गए हैं, ये संजय निरुपम जी का कहना है। संजय निरुपम का ये भी कहना है कि कोई कमिटमेंट नहीं दिख रहा है पार्टी में, पार्टी सुबह कुछ और कहती है, शाम में कुछ और कहती है। देखिए, अब कोई भी पार्टी को, उनको सस्पेंड कर दिया गया है पार्टी से 6 साल के लिए, तो वो तो ऐसे आरोप लगाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऐसे आरोप लगाएंगे क्योंकि पार्टी ने निष्कासित कर दिया। बहरहाल हमारे साथ प्रदीप जी भी बने हुए हैं। प्रदीप जी, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अभी फैसला करने में काफी वक्त इसलिए है क्योंकि 20 मई को 5वें फेज के तहत अमेठी और रायबरेली में चुनाव है, लेकिन अगर गौर फरमाया जाए तो दिलचस्प बात यह है कि महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, वाराणसी जैसी सीटें जिन पर मतदान सबसे आखिरी चरण में है, उन पर भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। देखिए नलिनी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया घटक के मेन घटक जो है एसपी और कांग्रेस जो यूपी में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं वो पशुपेश की स्थिति में है, क्योंकि जिन सीटों पर, ठीक है, उनका फैसला हो चुका है तो कितनी सीटों पर वो लड़ेंगे, कितनी सीटों पर सपा लड़ेंगे, लेकिन अभी भी कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट नहीं है। उसका रीजन भी ये है कि वो शायद, उनकी सीटों का आंकड़ा इतना कम है, सीटें उन्हें इतनी कम मिली है कि वो सभी नेताओं को एडजस्ट करने में मेरे ख्याल से कामयाब नहीं हो पाएंगे, और इस दुविधा में आजकल जितने भी नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के बहुत महत्वाकांक्षी हैं, अगर आप उन्हें चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं, अब उनकी सीट पर उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो दूसरी तरफ का रुख कर लेते हैं, और कांग्रेस की स्थिति ज्यादा खराब है, उसमें कुछ ज्यादा हो रहा है, तो ये तो स्पष्ट है। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी कहते रहे कि कल तक उनके पक्ष में उनका पक्ष रखने वाले लोग अचानक कुछ घंटे में झूठे हो जाते हैं जी। तो ये सभी की स्थिति है। कांग्रेस तो यही, पार्टियां तो यही कहेंगी छोड़ने के बाद कि वो महत्वाकांक्षी थे या झूठ बोल रहे हैं। स्थिति क्लियर है कि जिस तरह से मैं अपने राजनीतिक परिपेक्ष में जब से मुझे समझ का मौका मिला है, मैं तब से देख रहा हूं कि शायद इस देश में कांग्रेस की स्थिति इससे ज्यादा खराब नहीं हुई है जी। क्योंकि अब छोटे क्षेत्रीय दल कांग्रेस को ये कहने लगे हैं कि आपको सिर्फ इतनी सीट देंगे, लड़ना है तो लड़िए। आम आदमी पार्टी कितने दिन पुरानी पार्टी है, वो भी आप देख लिए पंजाब की स्थिति देख लीजिए, वो भी ये कहती है कि नहीं, हम पंजाब में आपको कोई सीट नहीं दे सकते। ठीक है, मलिक जी से इसी पर जवाब लेना चाहूंगी। प्रदीप जी, जल्दी से। मलिक जी, इंडिया गठबंधन में बड़ी भूमिका में कांग्रेस थी और अब छोटे भाई वाली भूमिका में नजर आ रही है जी। कभी बुरे दौर से गुजरती है, जरूरी नहीं कि कांग्रेस गुजर रही है, बाकी पार्टियां नहीं गुजरी होंगी, किसी का बुरा दौर, सबके बुरे दौर आते हैं, लेकिन इस वक्त बुरे दौर में समझ से डिसीजन लेना, कुछ शायद अभी कहीं कुछ कमी दिख रही है कांग्रेस। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं मलिक जी से। मलिक जी जल्दी से जी। मेरा ये कहना है कि आपने कहा कि हम जो है बड़े भाई की भूमिका में थे और लेकिन दिख छोटे रहे, ऐसा नहीं है। जब गठबंधन होता है
तो आपको एक कॉमन एजेंडे के तहत काम करना पड़ता है। जो भी सीट शेयरिंग की बात हुई है वो सीट शेयर होती है, कम बढ़ती होती है, ज्यादा होती है, जहां जिसकी ताकत ज्यादा होती है वहां पे उसकी उतनी सीट मिलती है। यूपी में हमारी ताकत उतनी नहीं है, तो हमें जो हमारे बड़े नेताओं ने तय किया है हम उस पर खुश हैं, उस पर लड़ रहे हैं, उस पर रिजल्ट देंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो 400 पार वाली पार्टी थी उसको क्या जरूरत पड़ी कि जेडीयू के साथ उनको वापस गठबंधन करना पड़ा, एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़ के महाराष्ट्र में खेल करना पड़ा, एनसीपी को तोड़ना पड़ा। आप तो 400 पार वाले थे और 61% लोगों के आपने टिकट काट दिए जो सिटिंग एमपी थे। अगर आप जीत रहे थे तो इतने टिकट क्यों काट रहे हो आप? मोहित जी आप तो जल्दी से जवाब दीजिए। मैं मलिक साहब को बताना चाहता हूँ कि इनके सारे नेता स्क्रैप मटेरियल हो चुके हैं, सोच खत्म हो चुकी है। हम किसको टिकट दें, हम किसको टिकट ना दें, हम किसकी टिकट काटें, हम किसकी टिकट रखें, ये हमारा फैसला है। और हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, नेता आप ढूंढो। दूसरी बात, मलिक साहब को मैं बता देता हूँ, हमारी पार्टी ही परिवार है, लेकिन आप लोगों का परिवार ही पार्टी। जैसे मेरे भाई ने कहा कि आप लोगों को आकलन करने की जरूरत है, ये उन्होंने सच्चाई कहा। और आप छोटे भाई की स्थिति में भी नहीं हो, आप उस भाई की स्थिति हो जिनको दो थप्पड़ मार के बाहर बैठा दिया जाता है। दिल्ली में आप 700 सीटों पे आते थे, आज आपके दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 3 सीटों पे आपने आज तक कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया है। आप पहले अपनी स्थिति देखिए, आप कैंडिडेट खोजिए और उन कैंडिडेट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज वहां पे खड़े हो जाइए, उस सीट से टिकट ले लीजिए और हार के अपने घर बैठ जाइए। मलिक साहब आपको आकलन करने की जरूरत है, ये मेरे भाई ने बिल्कुल सही बात मलिक जी फाइनल कमेंट। और फिर उसने कहा, उन्होंने कहा कि हमें आकलन करने की जरूरत है, इनके पास बहुत नेता आया। हरियाणा का उदाहरण दूंगा, 10 सीटें और 6 टिकट इन्होंने पूर्व कांग्रेस के नेताओं को दिए हैं। ऐसी पार्टी है भाजपा की, हमने टिकट तो दे दिया, आप टिकट तो दीजिए, आपने आप राय भी आपकी स्थिति क्या है तो उतारिए, आप राय बदलिए। मलिक जी मेरा आपसे एक सवाल यहाँ पर है कि भारतीय जनता पार्टी ने रैलियों का आगाज कर दिया उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप लोगों की तैयारी अभी पटल पर नजर नहीं आ रही है और लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। 700 सीट जीत रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सपने देखना अच्छी बात है। आप पहले अपने 3 कैंडिडेट तो घोषित कीजिए, फिर 700 सीटें जीतने की बात। ठीक है, मैं प्रदीप जी का रुख करना चाहूंगी। प्रदीप जी देखिए, एक बड़ी ही विचित्र बात खुलकर सामने आई है। रॉबर्ट वाड्रा ने भी कहीं ना कहीं अपने बयान के जरिए कहीं ना कहीं संकेत दिए कि राजनीति में दस्तक दे सकते हैं, तो क्या लगता है, क्या अब किसी और नए दांव पेच खेलने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है? क्या रायबरेली या अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा मैदान में उतर सकते हैं? देखिए नलिनी जी, रॉबर्ट वाड्रा जी बहुत टाइम से राजनीति में उतरने की इच्छुक थे जी। लेकिन जब 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 वो ऐसी भावना दिखाने की कोशिश करते हैं तब तब कोई ना कोई चीज उनके सामने आ जाती है। फिर पिछली पहले भी उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की थी, भावनाएं उनकी थी कि शायद वो सक्रिय राजनीति में आए, तो हरियाणा में एक ऐसा एपिसोड हो गया था जमीन का, जिसके लिए बीजेपी ने उन्हें लपेट लिया था जी। और वो चुपचाप फिर बैठ गए थे। तो अब देखिए, हर आदमी, देश का हर नागरिक, हर अपनी इच्छाओं को अनुरूप राजनीति में प्रवेश कर सकता है। और फिर वाड्रा जी तो बहुत पुरानी और बहुत बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, उनका वो चलिए बड़ी माफी के साथ आप सभी को यहाँ रोक रही हूँ, वक्त का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए लगातार जिस प्रकार से अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर असमंजस जारी है, अब कहीं ना कहीं जनता भी सोचने पे मजबूर है कि आखिर कांग्रेस यहाँ से मैदान में किसको उतारने वाली है। और सभी की नजरें कांग्रेस की इन दोनों बहुल्य सीट पर बनी हुई है। बहरहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही, नमस्कार।